नाइक का शूज ये आपको मात्र 2500 में मिलेगा, न्यू बैलेंस का शूज 3000 के आसपास, ये एशियंस का शूज 1200 के आसपास, और ये कैलेंजी का शूज मात्र 2300, और ये सेगा का शूज मात्र 500, और ये एडिडास का शूज जिस शूज का इस्तेमाल किया है मैंने एक बचपन से, वो सारा शूज का कलेक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अगर आप शूज मंगाना चाहते हैं तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि रनर को कैसा शूज मंगाना चाहिए, तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। तो मैं बिट्टू जायसवाल, डीएवी नेशनल मेडलिस्ट, डिप्लोमा इन फिटनेस मैनेजमेंट एंड 2-टाइम ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एथलेटिक पार्टिसिपेंट, तो आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल और आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बिट्टू रनर में। आज मैं आप सभी के लिए टॉप 8 रनिंग शूज लेके आया हूँ जो खासकर एक एथलीट यूज करते हैं, जो एक इंडियन आर्मी के लड़के प्रैक्टिस करते हैं वो यूज करना चाहते हैं और इस शूज को खरीदना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता कि शूज को हम आखिर कहां से खरीदें और कहां से ओरिजिनल शूज लाएं। तो आज मैं आप सभी को सारा कुछ बताने जा रहा हूं। ये जितने शूज आप देख रहे हैं सारा मैंने खरीदा है, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, इसीलिए आपको उसमें नहीं रहना है कि भैया यहां पे प्रचार करने उतर गए, तो ऐसा बात नहीं है। रिव्यू कर रहा हूं, जो मैंने यूज किया हूं उसके बारे में आप सभी को एकदम सही सलाह दे रहा हूं। साथ ही साथ बताना चाहूंगा, अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो इस दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जिसकी फीस लगेंगे मात्र 499 रुपया, जिसमें आपको प्रॉपर वर्कआउट शेड्यूल, डाइट प्लान सब कुछ मिलेगा। डिफेंस की तैयारी करना चाहते हैं, एथलेटिक्स की तैयारी करना चाहते हैं, वेट लूज या वेट गेन की तैयारी करना चाहते हैं, या फिट रहना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें या कॉल करें। नंबर 1, जाने माने इंडियन आर्मी लवर जो हमारा शूज होता है वो होता है भैया सेगा। ठीक है, तो सेगा का इस्तेमाल तो बहुत सारे लड़के ने किया, मैंने भी इसे कम से कम 4 से 5 साल यूज किया भैया, तो इसके बारे में मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता है। ठीक है, बात करेंगे इसके प्राइस के बारे में। ये स्टार्ट हुआ था भैया 400 से, लेकिन अभी इसका प्राइस 500, 550, 700 के आसपास आता है। और ये सेगा शूज में कई सारे और भी वेरिएशन आ गए हैं। नंबर 1, बात करेंगे इसके ग्रिप के बारे में, तो मैं कहना चाहूंगा सेगा का जो ग्रिप है वो एक तरह से समझिए चलाऊ ग्रिप है, आप इसे चला सकते हैं बस, लेकिन उतना अच्छा क्वालिटी का ग्रिप इसके अंदर में नहीं है। दूसरा जो इसकी डिसएडवांटेज है, इसका जो ये जो रबड़ वाला होता है ये यहां से उखड़ जाता है, आगे से भी उखड़ता है, कभी पीछे से भी उखड़ता है, अगर आपका भी उखड़ा है तो जरूर बताइएगा। ठीक है, अब बात करेंगे इसकी फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में। जब आप इस शूज को नया लीजिएगा ना तो ये इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता है, लेकिन भैया जब आप इसे यूज करते रहिएगा ना तो ये ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती है। वहीं बात करेंगे इसके हील काउंटर के बारे में। हील काउंटर इसे कहते हैं, यहां से यहां तक जो रहती है। कोई कोई सेगा देखे होंगे, जैसे आप नया में लीजिएगा तो आपके जो हील वाले एरिया है, जो एंकल है, वहां पे क्या होता है, दर्द होने लगती है। क्यों? क्योंकि ये टाइट होता है बहुत, ये जूता का भी बहुत ज्यादा टाइट है, इसकी एक ये डिसएडवांटेज है। ठीक है, इसका इंसोल एकदम नॉर्मल रहती है, अपर लेयर जो होती है सेगा की वो कम से कम 1-2 महीना के बाद फट जाती है। ठीक है, बात करेंगे लेकिन क्या इसमें अच्छाई है, अच्छाई यही है कि इसका प्राइस कम रहता है और आप इसे इजीली मार्केट से बाय कर सकते हो, आपके पास अगर कम बजट है फिर भी आप इसे यूज कर सकते हो, 2-3 महीना ये आराम से चल जाता है। ठीक है, अब बताऊंगा इसे आप खरीद कैसे सकते हैं। फ्लिपकार्ट में जाइए, वहां पर सर्च कीजिए सेगा शूज, आ जाएगा, वहां से इजीली आप बाय कर सकते हैं। साथ ही साथ बताना चाहूंगा अगर सेगा शूज लेना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, वहां से जाके खरीद सकते हो। शूज नंबर 2 वो है कैंपस। अगर आप इसको सर्च करना चाहते हैं या बाय करना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा रनिंग कैंपस शू, ये आ जाएगा ये शूज। अब बात करेंगे इसके प्राइस के बारे में। प्राइस इसका जो है वो है 1299 के आसपास में ये स्टार्ट हो जाती है। साथ ही साथ बताना चाहूंगा इसका वेट के बारे में, बहुत लाइट वेट आती है, पर इसका जो ग्रिप है नॉर्मल ग्रिप है, लेकिन इसका जो कुशन है ये बहुत अच्छा है। बात करेंगे इसके अपर लेयर के बारे में, तो इसका जो कपड़ा दिया गया है ये बहुत अच्छा दिया गया है, और इसका जो इंसोल है वो एक नॉर्मल इंसोल है, लेकिन इसका जो कपड़ा दिया गया है अगर आप ज्यादा देर तक रनिंग करते हैं तो ये कपड़ा से थोड़ा जलन होने लगता है, क्योंकि थोड़ा मोटा कपड़ा दिया गया है। ठीक है, तो अगर आप इस शूज को बाय करना चाहते हैं तो आप जाके फ्लिपकार्ट में सर्च कर सकते हैं, वहां पे आ जाएगा, या फिर आप मेरे लिंक से जाके वहां से बाय कर सकते हैं। वहीं पे इसकी अच्छाई यही है कि थोड़ा लाइट वेट है और कपड़ा थोड़ा अच्छा है। ठीक है, तो अगर बाय करना चाहते हैं तो आप जाके इस शूज को बाय कर सकते हैं। यहां पे बात करेंगे शूज नंबर 3 की, तो वो है एशियन इनोवा 08। इसकी ग्रिप थोड़ी अच्छी है, साथ ही साथ बात करूंगा इसका जो फॉर्म है, फॉर्म भी बहुत अच्छा है, पर लेयर ये थोड़ा टाइट है, जब आप रनिंग करते हैं थोड़ा ये गर्म हो जाता है, लेकिन इसके अंदर का जो इंसोल है वो बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बात करेंगे तो उतना अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है जितना अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और वेट बताना चाहूंगा, वेट लाइट वेट है और थोड़ा इजी है, कंफर्टेबल है रनिंग करने में। इसका जो प्राइस है वो
950 से 1300 के आसपास में आ जाएगा। अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट में दिया गया है, वहां जाके आप बाय कर सकते हैं। साथ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, वहां से भी जाके बाय कर सकते हैं। यहां पे जो शूज नंबर 4 है वो है केलेंजी वुमेन रनिंग शूज। ठीक है, आप सोच रहे हो वुमेन्स के बारे में आप बताने लगे, ये मेंस भी यूज कर सकते हैं, वुमेन भी यूज कर सकते हैं, दोनों के लिए है। इसका जो प्राइस है वो 2500 से 2700 के बीच में मिल जाएगा। अब बात करेंगे इसके क्वालिटीज के बारे में। नंबर 1, इसका ग्रिप जो रहता है नॉर्मल ग्रिप रहता है, उतना हाई क्वालिटी का ग्रिप नहीं रहता है, लेकिन एक तरह से बोला जाए तो बेस्ट है। जैसे कोई शूज में क्या होता है, ये ग्रिप उखड़ जाता है, ठीक है, या फिर जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन इसमें नहीं होगा। दूसरा, इसका जो फॉर्म है वो बहुत बेस्ट है। तीसरा, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है। चौथा, इसका कपड़ा जो है कम से कम आप 4 से 5 महीना यूज कीजिएगा तो ही फटेगा। देख सकते हैं आप, यहां पे फटेगा साइड में, और साथ ही साथ ये यहां से निकलेगा। ठीक है, और बात करेंगे इसका वेट के बारे में। लाइट वेटेड है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने कम से कम 3 से 4 पेयर इस शूज़ को यूज़ किया है, और इनसोल भी इसका अच्छा है। ठीक है, तो अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो बाय करने के लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना है, डेकाथलॉन ऐप करके सर्च करना है, उस ऐप को डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे सर्च कीजिए केलेंजी रनिंग शूज़ वुमेन, आ जाएगा ये शूज़, इसे आप बाय कर सकते हैं। और साथ में एक ये शूज़ है, ये भी शूज़ आप बाय कर सकते हैं, ये भी आपको 2300 के आसपास में आ जाएगा। ठीक है, और केलेंजी का क्या बेनिफिट है, बेस्ट बेनिफिट क्या है कि अगर आपका ये रनिंग करते समय ये उखड़ जा रहा है, ठीक है, 1 साल या 6 महीना के आसपास एक्सचेंज ऑफर देते हैं, तो आप जाके इजीली एक्सचेंज कर सकते हैं ऑनलाइन भी, और साथ ही साथ अगर शॉप से खरीदते हैं तो वहां पे भी जाके एक्सचेंज कर सकते हैं। अब यहां पे बात करेंगे शूज नंबर 5, वो है नाइक रन शिफ्ट 2। नाइकी में बहुत सारा शूज आता है, बहुत अच्छा अच्छा शूज आता है, लेकिन लो बजट में अगर जाते हैं तो ये शूज आएगा। ये शूज का प्राइस आपको पड़ेगा 3200 से 4000 के बीच में, लेकिन मैं बताना चाहूंगा मैंने इस शूज को मात्र 2500 में मंगाया था। ठीक है, तो ऑफर चल रही थी, कभी कभी ऑफर चलती है, तो आप इस शूज को ले सकते हैं। बात करेंगे इसके ग्रिप के बारे में, तो नाइकी का जो ग्रिप था वो बहुत ही बेस्ट था। मैंने कम से कम 1 साल यूज करने के बाद इसकी ग्रिप देखिए यहां पे प्लेन हो चुकी है, और इसका फॉर्म जो है ये फॉर्म बहुत बेस्ट है। मतलब बोला जाए ना, मेरा लाइफ में अगर मैं बोलना चाहूंगा तो सबसे बेस्ट शूज मेरे लिए ये रहा है नाइक का। क्यों? क्योंकि कम से कम 1 साल यूज करने के बाद इसका देखिए नेट यहां पे फटा है। कोई भी कितना भी बड़ा शूज लीजिएगा, उसका नेट जाना ही जाना है, जो अपर लेयर होती है वो जाएगा ही जाएगा। साथ में जो इसका हील काउंटर रहता है वो भी बहुत बेस्ट है, कंफर्टेबल फील आपको करवाती है। इनसोल एक नॉर्मल टाइप का इंसोल रहेगा, लेकिन इसका जो ये जो फॉर्म है ये सबसे ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो अगर आप इस शूज को बाय करना चाहते हैं, ये भी आपको फ्लिपकार्ट में इजिली मिल जाएगा, जाइए फ्लिपकार्ट में सर्च, यहां पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आप इस शूज को भी यूज कर सकते हैं, बहुत ही बेस्ट शूज है। और जब ऑफर आती है तो कम से कम 2 पेयर जरूर मंगा लेना, जिस तरह मैंने मंगाया था, व्हाइट और ब्लैक। शूज नंबर 6 जो है वो है एडिडास कंपनी का। इसे अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो आपको सर्च करना पड़ेगा एडी शॉर्ट। ठीक है, अब इसका जो प्राइस के बारे में बात करेंगे, ये आएगा आपको 2500 से 4000 के बीच में। अगर ऑफर आएगा तो आपको 2500 तक में मिल जाएगा, या 2600, 2800 या 3000 तक में मिल जाएगा, जिस तरह मैंने मंगाया था। बात करेंगे इसके ग्रिप के बारे में, तो ग्रिप इसमें अलग तरह से दिया हुआ है। एक तरह से जहां पे आप रनिंग करते हैं वहीं पे इसका ग्रिप का क्वालिटी दिया हुआ है, डॉट डॉट टाइप का। ठीक है, और पीछे और आगे बिल्कुल सिंपल है, नॉर्मल प्लेन है। इसे भी मैंने कम से कम कितना दिन, 6 महीना यूज किया है बस। नॉर्मल थोड़ा बहुत यूज करने के बाद इसकी नेट फटने लगी है, तो इसका जो अपर लेयर है वो उतना अच्छा क्वालिटी नहीं है, जो मैंने एक नाइकी पे आपको बताया उससे थोड़ा इसका मतलब कम क्वालिटी है। ज्यादा दिन इसका लेयर नहीं चलता है, कुछ दिन यूज करने के बाद ही इसकी लेयर फटने लगती है। साथ ही साथ जो जो रबड़ चिपका हुआ रहता है लेयर से, वो उखड़ने लगता है। बात करेंगे इसकी फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में, तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही अच्छी है। इसका इंसोल भी बहुत अच्छा रहता है, ठीक है, और साथ ही साथ जो इसका हील काउंटर है, हील काउंटर बिल्कुल सॉफ्ट है, आप देख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप इस शूज को भी बाय करना चाहते हैं तो बाय कर लीजिए, लेकिन मैं कंपेयर करूंगा अगर नाइकी और एडिडास में, तो आपको नाइकी की ओर ही जाना चाहिए, एडिडास की ओर मत जाइए, अगर आप इस शूज को मंगा रहे हैं एडी शॉर्ट को। तो ठीक है, तो अगर आप इस शूज को मंगाना चाहते हैं, फ्लिपकार्ट में दिया हुआ है, वहां जाके ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है जहां से आप ओरिजिनल प्रोडक्ट ले सकते हैं। यहां पे जो अब शूज नंबर 7 है वो हमारा है न्यू बैलेंस। न्यू बैलेंस का अगर प्राइस मैं आप सभी को बताने जाऊं, ये आ जाएगा आपको 2100 से 4000 के बीच में। मैंने इसे मंगाया है 2100 में, कैसे, ऑफर चल रहा था भैया, मैंने मंगा लिया, ऑर्डर मार दिया, और साथ में कूपन था तो कम हो गया। अब बात करेंगे इसके ग्रिप के बारे में, तो ग्रिप इसका बहुत ही बेहतरीन है भैया, देखना चाहोगे एकदम बड़ा बड़ा डॉटेड है और बहुत ही अच्छा है, और वेट तो पूछो ही मत, बहुत ज्यादा लाइट वेट है। ठीक है, और इसका जो नेट है, नेट तो मैंने कम से कम इसे 3 मंथ से मैं यूज कर रहा हूँ, रनिंग वगैरह भी कर रहा हूँ, ऐसे वॉकिंग वगैरह भी कर रहा हूँ, तो इसका नेट में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। और साथ ही साथ इसके
इसके जो इंसोल है, इंसोल एक नॉर्मल टाइप का इंसोल है, और साथ ही साथ इसका जो हील काउंटर है, हील काउंटर भी बहुत अच्छा है। अब बात करेंगे इसके जो फॉर्म है, फॉर्म भी अच्छा है, ठीक है। तो आप अगर इस शूज को मंगाना चाहते हो तो मंगा सकते हो, आंख मूंद के मंगा सकते हो। लेकिन इसका एक खराबी मुझे क्या लगा, जब मैंने इसे वॉश किया तो अंदर का जो इसका चिपका हुआ है, यहाँ पे जैसे अंदर से चिपका हुआ इस तरह का आर्क बना हुआ, वो उखड़ गया। जब वो उखड़ा तो जब अंदर पैर डालता हूँ तो वो ऐसे ऐसे टच होता है, तो इसका एक मुझे ये खराबी दिखा, ठीक है। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा, अगर बाय करना चाहते हो फ्लिपकार्ट में इजिली मिल जाएगा, या लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे जो मैंने आप सभी को शूज़ बताया है, नंबर 1 एडिडास, नंबर 2 केलेंजी, नंबर 3 न्यू बैलेंस, और नंबर 4 नाइक, ये जो तीनों शूज़ है, ये रेंज इसका क्या आ रहा है भैया, 2500 से लेकर या 2100 से लेकर 4000 या 3500 के आसपास रख लो, 4000 रख लो। अगर मैं बताना चाहूंगा, अगर आप ये तीनों शूज, ये चारों शूज को बाय करना चाहते हो, नाइक हो गया, न्यू बैलेंस हो गया, एडिडास हो गया, और केलेंजी हो गया, ठीक है, ये शूज आ गया आपका 2500 से 4000 के बीच में। अगर इसमें से आप कंफ्यूज हो रहे हो इसमें से कौन सा भैया मंगाए, तो नंबर 1 में जो रेट देना चाहूंगा, आप जो आंख मूंद के मंगा सकते हो वो मंगा सकते हो केलेंजी, ठीक है। नंबर 2 जो मैं वोट करूंगा वो करूंगा नाइक को, बेस्ट क्वालिटी भाई, एक साल मैंने यूज किया जिसमें ये रिजल्ट आया, वो भी मैं इसे वॉश नहीं करता था, ठीक है। नंबर 2 ये हो गया, नंबर 3 मैं जाऊंगा एडिडास, और नंबर 4 जाऊंगा मैं न्यू बैलेंस, ठीक है। तो अब आपकी मर्जी है, आपको जोन सा कंपनी अच्छा लगता है। लुक वाइज तो सबसे बेस्ट लुक देखने जाएगा तो न्यू बैलेंस का दिख जाएगा, दूसरा नाइक का दिख जाएगा, और तीसरा केलेंजी, और चौथा एडिडास का दिख जाएगा। तो इसमें से जो भी शूज आप मंगाना चाहते हैं मंगा सकते हैं, सारा आपको फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा, बस ये केलेंजी का आपको इसके ऐप डाउनलोड करने पड़ेंगे, डेकैथलॉन। हमारा जो शूज नंबर 8 है वो है पूमा नाइट्रो 2, ठीक है। इसे मैंने यूज किया है, बहुत ही कम यूज़ किया है, क्या बताऊँ, ये मुझे स्पॉन्सर मिला था, ठीक है, ये मैंने मंगाया नहीं है, क्योंकि इसका बजट आप सुन के हैरान हो जाओगे, और मैं भी उतना ज़्यादा नहीं मंगा सकता हूँ, इतना ज़्यादा हाई प्राइस का मैं भी खुद ऑर्डर नहीं मार पाऊँगा, लेकिन आप सभी का प्यार है जो मुझे ये शूज़ आज गिफ्ट में मिल रहा है, ठीक है। इसका प्राइस जो स्टार्ट होता है भैया 8000 से स्टार्ट होता है, 10000 के आसपास चले जाता है। इसका क्वालिटी बताने के लिए मुझे कुछ बोलना ही नहीं चाहिए, ऐसा बोलना चाहूँगा, क्योंकि इतना हाई प्राइस में इतना बेस्ट दिया हुआ है ना, ग्रिप A1, इसकी फॉर्म A1, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी इसकी कम है, ठीक है। और साथ ही साथ इसके जो हील काउंटर है, हील काउंटर भी बहुत अच्छा है, और इसका जो ये अपर लेयर है, ये तो मैंने यूज़ नहीं किया है अभी, अगर मैं इसे हो सके तो अगर 6 महीना 7 महीना यूज़ करता हूँ उसके बाद मैं रिव्यू लाऊंगा इसके बारे में, मैंने अभी इसे यूज़ नहीं किया है। तो एक तरह से मुझे इसका जो क्वालिटी देख के लगता है कि आराम से भैया 6 से 7 महीना चलेगा, चाहे कितनों रफ यूज़ करें, ठीक है। वेट तो बहुत लाइट वेट है। अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट में जाइए, सर्च कीजिए पूमा नाइट्रो 2 आ जाएगा, ठीक है। नाइट्रो भी मंगा सकते हैं, वेलोसिटी भी मंगा सकते हैं। तो अगर आप हाई प्राइस में जाना चाहते हैं तो पूमा ले लीजिए, ठीक है। मैराथन रनिंग शूज है ये, रोड पे आप इजिली रनिंग कर सकते हैं, आपके शॉक को बहुत अच्छा एब्जॉर्ब करती है ये। तो ये सब जितने भी मैंने शूज बताए ये मैंने भैया एकदम यूज़ किया है अपने ऊपर, सेगा तो इतना यूज़ किया हूँ कहने का बात मत को, ठीक है। तो ये सब शूज़ मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, ठीक है। तो यूज़ करने के बाद जो इसकी रियलिटी है वो मैंने आप सभी के सामने शेयर किया है। तो ये सभी शूज़ आपको फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा, अमेज़ोन में मिल जाएगा, ठीक है। और केलेंजी का शूज़ आपको डेकैथलॉन ऐप में मिलेगा, या फिर इसके शॉप आते हैं वहाँ भी जाके आप बाई कर सकते हैं। एक्सचेंजिंग इसमें बहुत अच्छा है, एक्सचेंजिंग होती है, अगर फटती है रनिंग करते समय सॉल उखड़ जाता है, ठीक है, ग्रिप वगैरह हट जाती है, तो आप इसे एक्सचेंज कर सकते हो, न्यू शूज़ इसके बदले आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे शूज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा हूँ। मैंने यहाँ पे आप सभी को जो प्राइस लेके गया है 10000 के आसपास लेके गया है, 500 से 700 या 800 के बीच में आप अगर शूज़ बाय करना चाहते हो तो सेगा को छोड़ के नहीं लीजिए कोई भी शूज़, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 है, अगर आप 1000 से लेकर 1500 तक जाना चाहते हो तो आप एशियन और कैंपस को छोड़ के कोई दूसरा शूज़ मत लो, ठीक है, ये दोनों में कोई एक कंपनी का आप यूज़ कर सकते हो। तीसरा जो मैंने बताया 2000 से लेकर 4000 तक में जाना चाहते हो तो नाइक, न्यू बैलेंस, केलेंजी, एडिडास, इसका शूज़ ले सकते हो, और पूमा का भी शूज़ आता है 4000 के बीच में, उसका भी आप ले सकते हो। और जब आप हाई प्राइस में जाते हो 5000 से ऊपर, 10000, 15000, 20000, तो पूमा ले लीजिए, नाइकी ले लीजिए, एडिडास ले लीजिए, इसमें से कोई भी कंपनी लीजिए, सारा बेस्ट है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट्स कीजिए, और ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं।